पड़ी पाणीना नवोदय विद्यालय में सफाई झूंबेश हेठ स्कीट तैयार करी अने शाला ने सफाई करावामां आवी। छोटाउदेपुर जिल्ला में आवेली एकमात्र जवाहर नवोदय विद्यालय में आज रोज सफाई अभियान द्वितीय चरण में शाला परिसर साफ करवामां आव्युं हतुं। शालानुं आंगण आजूबाजूना विस्तार गाम तळनी सफाई विद्यार्थीओ अने शिक्षकोए करी अने आंगेनी एक स्कीट शिक्षकोनी मददथी लईने तैयार करी तेनुं मंचन स्कूल परिसरमां करवामां आव्युं। आ माटे शिक्षकों कर्मचारीओ अने आचार्य शेफाली सिंधे भारे मेहनत उठावी हती। विद्यार्थीओने तैयार कर्या हता अने स्कीटमां ऑडियो विज्युअल अने वॉइस ओवरनो उपयोग करी खास बेकग्राउंड म्यूजिक साथे स्कीट बनावी हती। आ बाबते शाळाना आचार्य शेफालीबेने जणाव्યું કે બાળકો ખૂબ જ આત્મનિર્ભર અને પોતાનું કામ પોતે જ કરે છે। અમે સ્વચ્છતા બાબતે ખાસ ધ્યાન આપીએ છીએ। વધુમાં જણાવ્યું કે સ્વચ્છતા એટલે ખાલી બાહ્ય મટીરીયલ કચરો જ નહીં, પરંતુ આપણા વિચારો, આપણી વાણી, આપણા કર્મ પણ સ્વચ્છ હોવા જોઈએ। સરકારશ્રીના સ્વચ્છતા અભિગમને તેમણે આવકાર્યો હતો અને તેમનો એક વિડીયો સંદેશ સાથે લોકો સમક્ષ મૂક્યો હતો। મેં શ્રીમતી શેફાલી સિંહ, પ્રિન્સિપલ જવાહર નવોદય વિદ્યાલય, જિલ્લા છોટાઉદેપુર, ગુજરાત। જવાહર નવોદય વિદ્યાલય કે દ્વારા स्वच्छता ही सेवा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत चलने वाले इस परियोजना में, जिसे भारत सरकार के द्वारा प्रसारित किया गया और देश के लोगों से आह्वान किया गया, सिर्फ शिक्षण संस्थान ही नहीं, ये देश के समस्त विभागों से इसका आह्वान है कि हमें हर घर, गली गली, शहर शहर स्वच्छ बनाना है और देश को महान बनाना है। इसके अंतर्गत वृक्षारोपण, मेरी माटी मेरा देश और अमृत कलश जैसे शब्दों को जोड़कर, परियोजनाओं, गतिविधियों को जोड़कर स्वच्छता को एक विशाल रूप दिया गया है। इस विशाल रूप को हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय जिला छोटा उदयपुर के विद्यार्थियों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा एक अभियान चलाया गया। 1 अक्टूबर 2023 से आरम्भ यह अभियान 31 अक्टूबर 2023 तक चलेगा, लेकिन जैसा कि गुजरात सरकार के द्वारा इसे और भी आगे बढ़ाया गया है, इसलिए अब यह अभियान 30 नवंबर 2023 तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य बहुत ही शुद्ध और पवित्र है, जिसमें हम अपने चारों ओर के पर्यावरण को, हमारे आसपास के पूरे क्षेत्रों को, जहाँ जहाँ से हमारा संबंध है और जहाँ जहाँ अभी हम जाते हैं, हम कार्य करके, श्रमदान करके और लोगों को जगा कर भी हम स्वच्छता के इस अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं, सही संदेश दे सकते हैं कि स्वच्छता के आखिर में जाकर इसका गहरा अर्थ क्या निकलता है। इस गहराई में जाकर के हमें अपने पूरे पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है, चारों ओर के क्षेत्र को स्वच्छ बनाना है, इसी के साथ साथ में शिक्षा के सही मायने को, अर्थ को ग्रहण करते हुए व्यक्ति को अपने आप को भी स्वच्छ, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, उसे अपनी सोच और दृष्टिकोण को भी स्वच्छ बनाना है। जय हिंद।